गाइस, अगर आप अपने मोबाइल से अपने पीसी में डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर आप अपने पीसी से अपने मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल से पीसी में और पीसी से मोबाइल में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको फाइल ट्रांसफर करने के दो मेथड्स बताने वाला हूं जिनसे आप हाई स्पीड में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले मेथड में हम वायरलेसली डाटा ट्रांसफर करेंगे और दूसरे मेथड में हम यूएसबी केबल के जरिए डाटा ट्रांसफर करेंगे। गाइस, आप दोनों मेथड्स को ध्यान से देखना, आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम वायरलेसली फाइल ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने पीसी में कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है, बस आपको अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग्स करनी है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। गाइस, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है वाईफाई एफटीपी सर्वर। सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको वाईफाई एफटीपी सर्वर मिल जाएगा, इसे जस्ट आपको इंस्टॉल कर लेना है। गाइस, कोई ज़्यादा एमबी का ऐप नहीं है, सिर्फ 2 MB का ऐप है। और अगर आपको फाइल ट्रांसफर करना है हाई स्पीड में तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मेथड आपको कहीं पर मिलेगा। इंस्टॉल हो गया है, अब आपको बैक चले जाना है। अब हम क्या करेंगे, वाईफाई एफटीपी सर्वर को ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसे आपको क्या करना है, सिंपली स्टार्ट कर देना है। अलाउ करने के लिए बोलेगा तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर सर्वर URL मिल जाएगा। गज, हमारे काम की चीज़ बस यही है, सर्वर URL। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी काम नहीं करना है। अब हम फिर से चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। गाइस, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका पीसी और मोबाइल एक ही इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड होने चाहिए। अगर आपके पास वाईफाई है तो आपको अपने मोबाइल और पीसी को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। एंड अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से अपने पीसी को कनेक्ट कर लेना है, आपका काम मक्खन हो जाएगा। ये करने के बाद आपको अपने पीसी में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है। देन यहाँ पर आपको कहीं पर भी खाली जगह पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऐड ए नेटवर्क लोकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पर आपको सर्वर URL फिल करना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। सर्वर URL फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लॉग ऑन अनोनिमसली, इस पर आपको चेक मार्क रहने देना है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट करेंगे। ओपन दिस नेटवर्क लोकेशन व्हेन आई क्लिक फिनिश, इस पर भी आपको चेक मार्क रहने देना है एंड फिनिश कर देना है। जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का पूरा डाटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। दिस पीसी पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट भी मिल जाता है जिस पर क्लिक करके आप यहाँ पर डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइल ट्रांसफर के बारे में। तो यहाँ पर मैं रेंडमली किसी भी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इमेजेज है जिन्हें मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा। एंड देन मैं अपने पीसी के किसी फोल्डर में जाके इसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी इमेजेज मेरे पीसी में आ चुकी है। और इसी तरह से आप अपने पीसी से अपने मोबाइल में भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जस्ट आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है और ये सब कुछ वायरलेसली हो जाएगा। काफी बढ़िया तरीका मुझे लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को यूएसबी केबल के जरिए अपने पीसी से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका मोबाइल फाइल ट्रांसफर के लिए परमिशन मांगेगा, तो आपको परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद आप इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल और पीसी के बीच फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के यूजफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।